तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे अंडर रिम्ड पाइल के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का मतलब समझ रहे हैं, एक तो वर्ड हम लोग सुने थे केवल स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ये वर्ड सुने थे। और ये कहाँ पे करता है कि अगर कोई सॉयल है, सॉयल सैंपल है और ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे अगर हम लोग पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं, इसके नीचे हम लोग पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं तो बेस पे एक रेजिस्टेंस या रिएक्शन जनरेट होता है जिसको बोलते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। और जब भी हम लोग सॉयल के अंदर इंसर्ट करते हैं इस पाइल को तो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं पाइल को, तो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। तो अगर हम इंसर्ट डाउनवर्ड कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अपवर्ड काम करेगा। कहाँ पे काम करता है? कॉन्टेक्ट सरफेस पे, इंटरफेस पे। फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? कॉन्टेक्ट प्लेन पे, इंटरफेस पे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। अब ये फ्रिक्शन जनरेट होता था इसको हम लोग बोलते थे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते थे? स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट करते थे कैपिटल क्यू एस आर से। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमेशा जो एक्सटर्नल लोड लगाएंगे हम लोग, एक्सटर्नल लोड जो लगाएंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर लोड एक्सटर्नल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर कॉन्टेक्ट प्लेन पे या कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है और उसका डायरेक्शन, स्किन फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो जा रहा है, अगर स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू या उसकी डायरेक्शन जो लाइन ऑफ फ्रिक्शन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल लोड लग रहा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का डायरेक्शन हो गया तो वह नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन उसको बोलते हैं। स्किन फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है, अपोजिट टू द एक्सटर्नल लोड। लेकिन अगर ये स्किन फ्रिक्शन कहीं जनरेट हो रहा किसी कॉन्टेक्ट प्लेन पर, अगर उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल लोड के अलोंग है, एक्सटर्नल लोड के पैरेलल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्किन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट कहाँ होता है? कि अगर कोई सोयल, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट कैसे होगा? तो अगर सोयल का नेचर क्या है? लूज सोयल है, लूज है या बहुत ही ज़्यादा वेरी सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो फ्रिक्शन है मूवमेंट के पैरेलल ही एक्ट करने लगता है। अगर आपका सोयल का नेचर सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन काम करता है, जिस डायरेक्शन में आप फाउंडेशन को इंसर्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू एन एफ, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। दूसरा क्या नेचर है इसका? अगर कोई सॉयल है, अगर उस सॉयल के अंदर जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेटलमेंट पाइल की कंपेयर में, जो पाइल फाउंडेशन है उसके सेटलमेंट से भी ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है? नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। यानी अगर यहाँ पे सराउंडिंग जो सॉयल है, पाइल के सराउंडिंग जो सॉयल है, आसपास की जो सॉयल है, उसमें अगर सेटलमेंट पाइल की कंपेयर में ज़्यादा हो जा रहा है, पाइल की कंपेयर में ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है? नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए
बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक सेटलमेंट ऑफ सोयल, सेटलमेंट वाला अगर रीजन की बात करें तो सेटलमेंट इन सोयल ग्रेटर देन सेटलमेंट ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन में जो सेटलमेंट हो रहा है उसके कंपेयर में जो सॉयल है उसके अंदर सेटलमेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। दूसरा नेचर क्या हो सकता है कि अगर सॉयल एक्सपेंसिव है तो भी जनरेट हो सकता है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। एक्सपेंसिव होने का मतलब ये है कि अगर हाई स्वेलिंग है या कह रहे हैं कि सॉयल क्या है वेरी लूज है, बहुत लूज है, या वेरी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उस केस में भी निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होगा। फोर्थ रीजन हो सकता है एक्सेस सरचार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सॉयल है और इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा सॉयल भर दें, एक्स्ट्रा जो सॉयल होती है उसको बोलते हैं हम लोग सरचार्ज। इसकी वैल्यू अगर बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलिंग कम कर दे रहे हैं सॉयल का, सरचार्ज की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है। फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है, ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटी। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करते हैं जनरेट करेंगे किसी सॉइल के अंदर। अगर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो गया और हमें अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना तो उसके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा। अगर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो गया, चाहे किसी भी वजह से जनरेट हो रहा हो, इसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है, तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाइल के लिए तो उसमें चेंजिंग क्या आएगा। तो चेंजिंग ये है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल लोड के कारण लगेगा, उसको अपोज करने के लिए जो लोड जनरेट होंगे सॉइल के अंदर, या चाहे कॉन्टेक्ट प्लेन पे जनरेट हो रहे हैं, चाहे केवल सॉइल ही जनरेट कर रहा है, तो एक्सटर्नल लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो इसको रजिस्ट करने के लिए चाहे कोई भी फैक्टर है, कोई भी एजेंट है, चाहे वो सॉयल जनरेट कर रहा है, चाहे दोनों मटेरियल मिलके एक साथ जनरेट कर रहे हैं, चाहे पाइल है चाहे सॉयल है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो स्किन निगेटिव स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस जो होता है उसकी डायरेक्शन जो एक्सटर्नल लोड है उसी के पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब यह है कि जो पहले हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पढ़े थे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसमें जो स्किन निगेटिव स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस है वो माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन के लिए देखेंगे तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू एंड बियरिंग रजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस। ये तो हम लोग पढ़े थे नॉर्मल कंडीशन में, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो रहा है इंक्लूड कर रहा है तो ये फार्मूला हो जाएगा एंड बियरिंग रजिस्टेंस, क्योंकि पाइल वही है, क्रॉस सेक्शन भी वही है, तो एंड बियरिंग रजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगा, सेम रहेगा। तो एंड बियरिंग रजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस। अब स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस देखेंगे कितने लेंथ में जनरेट हो रहा है। अगर ये लेंथ हम लोग बोल रहे हैं कि ये L2 है और ये L1 लेंथ है, इसका मतलब अगर टोटल लेंथ L है तो टोटल लेंथ में L1 और L2 है, तो L1 लेंथ में निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, L2 लेंथ में आपका पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो एंड बियरिंग रजिस्टेंस की वैल्यू सेम, स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस केवल किस में जनरेट होगा,
एल टू लेंथ में, और माइनस क्या हो जाएगा स्किन फ्रिक्शन, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस, तो ये एल वन लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ एल वन, तो ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव यानी माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइनल फार्मूला अगर देखेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, इन केस ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, तो एंड बेयरिंग रजिस्टेंस कैपिटल क्यू ई बी इक्वल टू होता है स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी प्लस पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस एल टू लेंथ में, फॉर एल टू लेंथ, तो ये हो जाएगा क्यू एस ए एस। इसका भी फार्मूला वही रहेगा, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन अगर देखेंगे इसमें फार्मूला भी यही रहेगा, फार्मूला निगेटिव स्किन फ्रिक्शन या पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन की जो फार्मूला है वही रहेगा। तो इसमें निगेटिव स्किन फ्रिक्शन की जगह अगर पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा क्यू एस ए एस। अब क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, तो ये निगेटिव हो गया निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, इन केस ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इक्वल्स टू, अब क्यू बी अगर हम लोग क्ले के लिए बात कर रहे हैं तो 9C, फॉर क्ले 9C, और यहाँ पे ए बी होगा, और सर्कुलर अगर है तो ये आपका वही रहेगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 सेम प्लस क्यू एस, तो एल्फा सी बार, एल्फा सी बार, ए एस की वैल्यू क्या लेंगे, ए एस की वैल्यू पाई डी इंटू, अब यहाँ पे लेंथ देखना पड़ेगा कि यानी कितने लेंथ के अंदर पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन हुआ है, तो लेंथ क्या हो जाएगा एल टू क्यों होगा, यहाँ पे एल टू, लेंथ क्या लेंगे एल टू, एल नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा एल टू, क्योंकि एल टू लेंथ में क्या हो रहा निगेटिव पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन हो रहा प्लस प्लस निगेटिव स्किन फ्रिक्शन है तो माइनस साइन, तो माइनस क्यू एस की वैल्यू, तो क्यू एस की वैल्यू वही रहेगा एल्फा सी बार, एल्फा सी बार, ए एस की वैल्यू देखेंगे तो पाई पाई डी ही है, और ये कितने लेंथ में लग रहा है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, एल वन लेंथ में हो रहा, तो ये हो गया एल वन। तो अगर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है कहीं पे, कहीं जनरेट हो रहा, तो कितने लेंथ हो रहा है केवल लेंथ की वजह से चेंजिंग होगा, कि उस लेंथ में जो भी स्किन फ्रिक्शन जनरेट हो रहा उसको माइनस कर देंगे, तो इतना चेंजिंग होता है निगेटिव स्किन फ्रिक्शन के केस में। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन याद रखेंगे क्या करेगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगा उसको रिड्यूस करता है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या करेगा जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको क्या करता है रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करता है। अब किसके रिड्यूस होने से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है, तो याद रखेंगे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होने से जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फाइल ग्रुप, फाइल ग्रुप, फाइल ग्रुप, फाइल ग्रुप, फाइल ग्रुप एक्शन भी बोल सकते हैं, या इसी बोलते हैं फाइल ग्रुप एक्शन ऑफ फाइल ग्रुप। तो पहले हम लोग एक ही फाइल यूज करते थे, ये हमारा ग्राउंड लेवल होता था और एक ही फाइल यूज करते थे, तो ये हो गया इंडिविजुअल फाइल, ये हो गया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फाइल, एक सिंगल फाइल। तो अगर इसका इफेक्ट देखें तो इसका इफेक्ट जो होगा कुछ ऐसे होता था, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार।
आइसो बार क्या होता है? ये होता है लोकस ऑफ वर्टिकल प्रेशर एलोंग लेंथ और डेप्थ ऑफ स्टेटा। तो आइसोबार इसको हम लोग बोल सकते हैं लोड इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ लोड। तो अगर इंडिविजुअल पाइल है इसका मतलब ये है कि जो भी आइसोबार जनरेट होगा फॉर इंडिविजुअल पाइल उसकी जो इफेक्ट होगी वो बहुत कम डेप्थ तक जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाइल आप बढ़ा रहे हैं, एक पाइल के लिए ये है, अगर बहुत सारे पाइल को एक साथ जोड़ दिए, बहुत सारे पाइल को हम लोग एक साथ जोड़ दिए हैं, नंबर ऑफ पाइल बहुत ज़्यादा है और इसको किसी स्लैब के थ्रू हम लोग जोड़ दिए, इसको हम लोग स्लैब के थ्रू अगर जोड़ दिए हैं और इनके सराउंडिंग में जो सॉयल है, जो आसपास की जो सॉयल है, ये आसपास की जो सॉयल है वह अगर कॉम्पैक्ट हो जा रही है आफ्टर सम टाइम, अगर कॉम्पैक्ट हो गई या कॉम्पैक्शन प्रोसेस हो जा रहा है, कॉम्पैक्शन हो जा रहा है, तो ये जो पाइल है जो स्लैब हम लोग देते हैं कनेक्ट करने के लिए उसको बोलते हैं पाइल कैप। तो ये सिंगल पाइल की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल पाइल ट्रीट कर रहा था वैसे ही अगर बहुत सारे पाइल्स हैं और उनको किसी स्लैब के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल इक्विवेलेंट सिंगल पाइल की तरह ट्रीट करने लगता है। तो अगर इसकी सिंगल इंडिविजुअल पाइल का जो आइसोबार था कुछ ऐसे था, कम डेप्थ तक था इफेक्ट, अगर सिंगल बात कर रहे थे, अगर सिंगल पाइल की बात कर रहे थे तो जो आइसोबार या लोड का इफेक्ट था वो कम डेप्थ जाता है। लेकिन बहुत सारे पाइल हैं और उसको किसी स्लैब या पाइल के कैप के थ्रू हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो वह सिंगल पाइल की तरह ट्रीट करने लगता है और उसका जो आइसोबार जनरेट होता है, उस कॉम्बिनेशन का जो आइसोबार जनरेट होगा वह बहुत ज़्यादा डेप्थ तक होता है, तो डीपर होता है, याद रखेंगे डीपर देन ए सिंगल पाइल। तो एक सिंगल पाइल के कंपेयर में जो आइसोबार होगा इस कंबाइंड पाइल का वो डीपर होता है। अब अगर किसी पाइल के ऊपर लोड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दूर तक है, बहुत ज़्यादा डीपर है, इसका मतलब ये है कि वो फाउंडेशन या पाइल उतने डेप्थ तक सेटल कर सकता है। अब इंडिविजुअल पाइल का अगर आइसोबार या लोड का इफेक्ट स्मॉल डेप्थ तक था इफेक्ट, और कंबाइंड जो पाइल है उसका जो इफेक्ट है लोड का इफेक्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोबार, वह बहुत ज़्यादा नीचे तक है, बहुत डीपर है, इसका मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल पाइल और कंबाइंड पाइल की बात करें और सेटलमेंट बोल रहे हैं तो कंबाइंड पाइल के अंदर जो सेटलमेंट होगा वह इंडिविजुअल पाइल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कंबाइंड फुटिंग या कंबाइंड पाइल जो हम लोग कंबाइनिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइल कैप, उसमें आइसोबार डीपर होता है। तो जितने अधिक डेप्थ तक स्ट्रेस का इफेक्ट जाएगा, लोड का इफेक्ट जाएगा, उसमें उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी सेटल करने की। तो इसमें याद रखेंगे पाइल ग्रुप के अंदर जो सेटलमेंट होता है, तो सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप is deeper, more than settlement of individual pile, यानी एक जो सिंगल पाइल है उसके कंपेयर में जो सेटलमेंट होगा पाइल ग्रुप का वो ज़्यादा होगा। यानी सेटलमेंट अगर इसको ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप ऑलवेज ग्रेटर देन सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल पाइल। क्योंकि जो पाइल ग्रुप होती है, जो पाइल ग्रुप होगा, पाइल ग्रुप उसमें जो आइसोबार होगा
आइसो बार जो होगा वह डीपर होता है इसके इंडिविजुअल पाइल की कंपेयर में। जो इंडिविजुअल पाइल है उसके आइसो बार से डीपर होता है। इसलिए सेटलमेंट जो होगा पाइल ग्रुप का वह ज़्यादा होता है इंडिविजुअल। अब अगर हम लोग पाइल ग्रुप यूज कर रहे हैं तो अगर बहुत सारे पाइल को किसी स्लैब के थ्रू हम लोग आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं और कनेक्ट होने के बाद अगर वो सारे पाइल एक ही पाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ पाइल ग्रुप। उसी को बोलते हैं पाइल ग्रुप या एक्शन ऑफ पाइल ग्रुप अगर एक ही पाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो पाइल ग्रुप अगर हम लोग कहीं कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बियरिंग कैपेसिटी, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, बढ़ जाएगी। यानी अगर पाइल ग्रुप यूज करते हैं, यानी एक पाइल के साथ दूसरा पाइल यूज कर रहे हैं, आप बहुत सारे पाइल यूज करके उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी लोड बियर करने की क्षमता ये बढ़ जाएगी। अल्टीमेट लोड बियर करने की क्षमता जो होगी वो बढ़ेगी। अब अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अब ये बढ़ेगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन के केस में दो एजेंट पे बेस्ड होता है, डिपेंड करता है। एक तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस होता है और दूसरा आपका स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है। तो पाइल ग्रुप के अंदर याद रखेंगे जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कैसे करता है, तो इसमें एंड बियरिंग रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यानी जो पाइल ग्रुप के केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एंड बियरिंग रेजिस्टेंस इसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। यानी एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू बढ़ती है, इससे हम लोग इससे क्या हो जाता है, पाइल ग्रुप की जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता है, इसका मतलब ये है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू बढ़ रही है और तो पाइल ग्रुप में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है क्योंकि एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फिक्सर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता है। अब एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और स्किन फिक्सर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ता है पाइल ग्रुप के अंदर। ये भी बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ता है, तो हम इसका फार्मूला अगर ब्रेक करेंगे तो स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी होता है, तो इसमें ए बी की वैल्यू बढ़ जाती है, ए बी की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए क्यू ई बी की वैल्यू बढ़ जाता है। और इसमें इसको ब्रेक करेंगे तो हम जानते हैं स्मॉल क्यू एस ए एस होता है, तो इसमें भी ए एस की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए कैपिटल क्यू एस एफ की वैल्यू बढ़ जाती है। अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि कैसे ए बी की वैल्यू और कैसे ए एस की वैल्यू बढ़ेगा। अब ये तो हम लोग बियरिंग कैपेसिटी देख लिया कैसे बढ़ रहा है। अब पाइल ग्रुप होने के लिए, यानी फॉर मेकिंग ए पाइल ग्रुप द मिनिमम नंबर ऑफ पाइल इज रिक्वायर्ड इज 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल कितना होना चाहिए पाइल ग्रुप के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए पाइल ग्रुप तो याद रखेंगे 3। तो जब भी 3 पाइल लगेगा, एक पाइल यहाँ है, दूसरा पाइल यहाँ है और तीसरा पाइल यहाँ, तो
तो याद रखेंगे ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में लगेगा। याद रखेंगे किस शेप में लगेगा, शेप क्या होगा इनका, तो शेप याद रखेंगे इक्विलेटरल लेटरल ट्राइंगल फॉर्म में होगा, ट्राइंगल फॉर्म में अरेंज करेंगे, याद रखेंगे। तो एक पॉइंट तो यह हो गया की पॉइंट फाइल ग्रुप अरेंज करने का। दूसरा की पॉइंट, जब भी हम लोग अरेंज करेंगे अरेंज नंबर ऑफ फाइल इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो जब भी हम लोग अरेंज करेंगे फाइल को तो किसमें अरेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म तो या तो ये मैट्रिक्स फॉर्म या सेफ रेगुलर सेफ, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग रेगुलर सेफ, कोई रेगुलर शेप में इसको अरेंज करेंगे। अब रेगुलर शेप में या तो सर्कुलर हो सकता है, या तो ये शेप सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे, या तो रेक्टेंगुलर में अरेंज करेंगे, रेक्टेंगल में अरेंज करेंगे, या तो स्क्वायर में अरेंज करेंगे। अब ये जो शेप रेगुलर शेप में हम लोग अरेंज कर रहे हैं नंबर ऑफ फाइल को सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर, तो ये किसके बेसिस पे होता है, तो ये होता है यानी कैसे हमें पता चलेगा कि ये सर्कुलर शेप में फाइल ग्रुप को अरेंज करना है, रेक्टेंगुलर में अरेंज करना है, स्क्वायर में अरेंज करना है, कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलता है लोडिंग एरिया, यानी जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है फाइल फाउंडेशन के ऊपर, एक्सटर्नल लोड जो एक्ट कर रहा है वो किस एरिया में है, वो किस शेप में है। तो डिपेंड्स ऑन, याद रखेंगे, तो यह रेगुलर शेप किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन लोडिंग शेप पे डिपेंड करेगा कि रेगुलर शेप क्या होना चाहिए। लेकिन फॉर डिजाइन पर्पज वी प्रिफर स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर रेगुलर शेप। तो जब भी हमें यूज करना है तो याद रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में स्क्वायर शेप लेके चलेंगे फाइल ग्रुप का। किस शेप में लेके चलेंगे फाइल ग्रुप को, स्क्वायर शेप में लेके चलेंगे। तो अब अरेंज कैसे करेंगे, हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे इसको, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर समझ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फाइल ये दिया है 1, 2, 3, एक रो में 3 फाइल लगा दिए और कॉलम में भी 3 फाइल लगा दे रहे हैं, तो ये होंगे, तो ये हो गया फाइल, और इसका बाउंड्री सरफेस जो आउटर सरफेस है ये हो गया आउटर सरफेस। तो ये फाइल ग्रुप बनेगा 3x3 का। तो रो में कितना नंबर ऑफ फाइल है, रो है ये, और ये क्या हो गया कॉलम। तो ये आपका क्या है, प्लान। ये फिगर क्या बोल रहा है, ये आपको डिनोट कर रहा है प्लान। प्लान इसी को हम बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। तो अगर हमें पाइल ग्रुप के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस प्लस स्किन फिक्शन रेजिस्टेंस, ये हमें पता था। अब एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो आता है स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी, और कैपिटल क्यू एस को ब्रेक करेंगे तो QSAS आता है QSAS। तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, अब अगर हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, और क्ले, अगर क्ले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्ले, और फाइल का जो सेफ है क्या है, अगर मैं बोलाऊँ ये सर्कुलर है, सर्कुलर ऑफ डाया डी है तो फार्मूला क्या होगा। तो अगर पहले वाले एंड पे फोकस करेंगे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, तो अगर क्ले है तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते क्या होता है 9C,
क्यूबिक वैल्यू 9c, और ए बी क्या होता है, बेस एरिया या एंड बियरिंग एरिया, बेस एरिया। तो ये तो प्रमाण है ना, ये बेस एरिया जब नीचे से आप देखेंगे बॉटम से तो पूरे पाइल ग्रुप का ये आपको प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगा इस तरह से। तो एरिया अगर ये अभी अगर रेगुलर पैटर्न में है या नंबर ऑफ रो पाइल इन रो और कॉलम सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर रो और कॉलम में कॉलम सेम है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्टेड बेस एरिया भी स्क्वायर बनेगा। तो अगर प्रोजेक्टेड बेस एरिया स्क्वायर बनेगा तो इसका मतलब ए बी जो बेस एरिया निकालेंगे, बेस एरिया वो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि यह विड्थ है और यह लेंथ है बी, ये भी सेम है, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा तो ये भी बी होगा, ये भी होगा। इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब बी क्या है, पूरे पाइल ग्रुप का जो प्रोजेक्टेड बेस एरिया है और उसकी विड्थ, उसकी विड्थ को हम लोग बोल रहे हैं बी। अब ये क्या होगा हमें नहीं पता है, क्योंकि एक पाइल के सेंटर से दूसरे पाइल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस हो रहा है उसको बोल रहे हैं स्पेसिंग ऑफ पाइल, एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये भी एस होगा और ये भी एस है, सेंटर से जाएंगे ये भी एस हो गया, इधर जाएंगे तो ये एस हो गया, इधर जाएंगे तो ये एक एस हो गया, और ये वाले डायमेंशन इतना निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा डी बाई टू होगा, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, डी बाई टू हो गया, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये भी डी बाई टू हो गया, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये भी डी बाई टू हो। तो अगर बी की हम लोग बात करें, बी विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप। तो अगर तीन रो के अंदर तीन पाइल लगे हैं, एक दो तीन, तो स्पेसिंग कितना आ रहा है, एक दो, दो स्पेसिंग आ रहा है, तो टू इंटू एस, दो स्पेसिंग आया, और दो डाया बाई टू, एक तो डी बाई टू यहाँ पे है, एक डी बाई टू यहाँ पे है, तो टू टाइम्स डी बाई टू, तो ये वैल्यू आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे 2s प्लस डी आएगा। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है, अगर हम लोग पाइल ग्रुप का विड्थ निकालना चाहेंगे भी तो एक जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ हमको जनरल फार्मूला एक मिल जाता है, हमारे पास आ जाएगा जनरल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, कि जनरल फार्मूला अगर आपका मैट्रिक्स या जो शेप बनना है, शेप ऑफ पाइल ग्रुप वो क्या है, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे m इंटू एम का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमसे बोल रहा है कि विड्थ निकालिए, उस पाइल ग्रुप का विड्थ निकालिए, तो विड्थ इक्वेस्ट हो जाएगा जितना नंबर होगा उसमें से एक कम कर देंगे और स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस डी आ जाएगा। डी क्या है डायमीटर ऑफ पाइल। तो ये जनरल फार्मूला हो जाएगा विड्थ निकालने का। तो क्ले के लिए निकाल रहे हैं ब्रो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्ले है, क्ले के लिए 9c और ए बी की जगह बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो QS की वैल्यू होता है अल्फा सी बार, क्ले के लिए अल्फा सी बार, AS की वैल्यू हो जाएगा, AS की वैल्यू, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ये बनना है, बेस प्रोजेक्टेड एरिया स्क्वायर बनना है, तो इसको देखेंगे तो ऐसे कुछ जो साइड वाली एरिया जिसपे फ्रिक्शन ऐड करेगा, जिसपे फ्रिक्शन लगेगा तो वो भी स्क्वायर ही बनेगा, तो ये भी स्क्वायर ही बनेगा, तो ये भी स्क्वायर, तो रेक्टेंगुलर बनेगा पूरी, बी इंटू एल, क्योंकि एल की वैल्यू अलग है, बीच में ये एल हो जाएगा, इसमें एल लेंथ ऑफ पाइल हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये आएगा बी इंटू एल, इसका एरिया निकालेंगे तो ये भी आएगा बी इंटू एल, और जो इन साइड में है उसके एरिया निकालेंगे बी इंटू एल, जो इधर है उसकी एरिया भी आएगा बी इंटू एल। तो चार फेस ऐसे मिलेंगे जिस पे फ्रिक्शन काम करेगा। अब ये बाउंड्री अगर ध्यान समझेंगे, ये जो बाउंड्री बन रही है ये पाइल नहीं है,
ये तो पाइल ऐसे खड़ा होगा, एक पाइल यहाँ लगा होगा इस तरह से खड़ा होगा, एक पाइल यहाँ लगा होगा, यानी पाइल तो ऐसे लगा होगा कुछ, एक पाइल ये है और दूसरा पाइल यहाँ लगा होगा ऐसे, तीसरा पाइल यहाँ लगा होगा ऐसे, चौथा पाइल यहाँ लगा होगा, ऐसे लगे होंगे। और इससे हम लोग आपस में कनेक्ट करके बाउंड्री लाइन बना करके इसको आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो लाइन बन रहा है ये कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये, ताकि जो एरिया दिख रहा है वो जो बांधने के बाद कंबाइन करने का जो एरिया दिख रहा है वो प्रोजेक्टेड एरिया क्या बन रहा है। तो ये सॉयल यानी ये लाइन इमेजिनरी लाइन किसके अंदर है, सॉयल के अंदर है। तो ये भी सॉयल ही है, ये भी सॉयल है और यहाँ भी सॉयल है। अब यहाँ पे जो एडहेशन फैक्टर काम कर रहा है अल्फा, अब वो एडहेशन फैक्टर सॉयल से सॉयल के बीच में ही काम कर रहा है, क्योंकि पाइल तो यहाँ पे है, यानी अगर ये पाइल मटेरियल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही माइन्यूट जो सरफेस स्किन सरफेस एरिया है कम मिल रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा एरिया में सॉयल ही है, और यहाँ भी सॉयल है और इधर भी सॉयल है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जब हम लोग एएस की वैल्यू निकालेंगे, स्किन सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वहाँ पे जो एडहेशन फैक्टर की वैल्यू है वह सॉयल टू सॉयल आ जा रहा है, सॉयल टू सॉयल। इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे जो अल्फा की वैल्यू है हमेशा पुट करेंगे वन, हमेशा पुट करेंगे वन। तो ए क्यू एस की वैल्यू अल्फा सी बार, ए एस की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, चार एरिया मिल रहा था तो फोर बी इंटू एल, एल क्या है लेंथ ऑफ पाइल, एल क्या है लेंथ ऑफ पाइल, लेंथ ऑफ पाइल, और बी क्या है विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप, विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप। तो ये हम लोग जो फार्मूला हमें पता है पाइल ग्रुप की विड्थ निकालने के लिए उससे निकाल लेंगे, और एल्स पोजिशन में हमें पता होगा कितने लेंथ तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये क्ले के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर सैंड के लिए निकालना है तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल ग्रुप फॉर सैंड, फॉर सैंड तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अब ये पाइल ग्रुप हम इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू यू जी से। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप। तो पाइल ग्रुप किसके लिए, सैंड के लिए। तो सैंड के लिए हम लोग पढ़ेंगे यह था फार्मूला क्यू बी इंटू ए बी, और यह था आपका क्यू एस इंटू ए एस, और सैंड है तो सैंड के लिए हम लोग पढ़े थे गामा एल, गामा एल एन क्यू, और ए बी क्या था, अगर स्क्वायर बनना एरिया एसी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू एस की वैल्यू था हाफ के गामा एल, के गामा एल टेन डेल्टा, ये तो था क्यू एस की वैल्यू, और ए एस की वैल्यू उन्होंने निकाले थे इस एरिया के लिए तो ये था फोर बी एल, फोर बी एल, फोर बी एल सैंड के लिए। अब यहाँ पे हम लोग टेन डेल्टा की जगह लेते हैं, हम लोग यूज करेंगे फाइव, फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा एल एन क्यू बी स्क्वायर प्लस हाफ के गामा एल इंटू फाइव, इंटू फाइव टू फोर बी एल, फोर बी एल। अब यहाँ पे जो फाइव है इसको बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, इंटरनल, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, जो जो पहले से हम लोग जानते हैं इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, यानी अगर एडहेशन सेम मटेरियल के बीच में हो रहा है और फ्रिक्शन हम लोग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फिनोमिना हो रहा है, तो फाइव हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, यानी जो सॉयल का पार्टिकल है अगर पार्टिकल ही फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, तो उसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं, डिनोट करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन एंगल से। इसीलिए अब यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट प्लेन नहीं है इसलिए टेन डेल यूज नहीं करेंगे,
यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन एंगल हो जाएगा। तो पाइल ग्रुप अगर कहीं है तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें माइनूट चेंजेस है, जहाँ पे ए बी ए एस चेंज हो रहा है, और एल्फा की वैल्यू याद रखेंगे 1 हो गया, और 10 डेल के जगह हम लोग 5 यूज करते हैं अगर पाइल ग्रुप हम लोग यूज कर रहे हैं। आज के लिए इतना है, थैंक यू।